हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSSB ट्यूब में। और आज हम अपनी क्लास में क्या स्टडी करने वाले हैं, आज हम अपनी क्लास में स्टडी करने वाले हैं आगमन विधि को, मतलब इंडक्टिव मेथड को। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, उसके बारे में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स है, सभी को आज डिस्कस करेंगे। और ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको एक बार बता देता हूँ। ये क्लास आपके सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, आरटेट, जेटेट या कोई भी दूसरे स्टेट का अगर आपका टेट एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से जितने भी लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर पैडागोजी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को देखना मत स्किप करना। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखनी है, समझनी है, और बाद में फिर कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना है कि आपको कितना समझ आया, कैसे आया, वो सब आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम खर्च किए, मतलब टाइम खर्च करेंगे लेकिन समझने में खर्च करेंगे। तो क्या है आगमन विधि? आगमन विधि का मतलब है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब ये किसी स्पेसिफिक चीज से किसी नॉर्मल चीज की तरफ, मतलब कि आप कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो और उसके बाद फिर आप एक जनरल सा कंक्लूजन निकालो तो उसे हम इंडक्टिव मेथड बोलेंगे। मतलब किसी एक खास प्रकार के बारे में बात करके एक सामान्य सा रिजल्ट निकालना, उसके उसको हम बोलेंगे आपकी आगमन विधि। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है दिल्ली आपकी, ठीक है, ये है यूपी, और उसके बाद ये है हरियाणा, और उसके बाद मान लीजिए ये है राजस्थान, ठीक है। तो अब क्या है, अब दिल्ली में जो बारिश हुई भाई, ये हुई पांच मिलीमीटर, ठीक है। यूपी में बारिश हुई आपकी 7 मिलीमीटर, हरियाणा में बारिश हुई आपकी 8 मिलीमीटर, और उसके बाद राजस्थान में आपकी बारिश हुई 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो इन चीजों से आपको क्या पता चलता है, ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, ये मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल दिया है। तो इन चीजों से आपको क्या पता चलता है, ये हमारी अलग अलग जगह है और इन जगहों पर जितनी बारिश होती है पूरे वर्ष में, वो मैंने आपको बताया। तो ये उदाहरण से आपको क्या समझ में आया कि जो राजस्थान हमारा राज्य है उसमें सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, राजस्थान में काफी कम बारिश होती है, ये हमें समझ में आता है। अब थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर लो, ये हमने 4 भाग बना दिए, ठीक है। अब 4 भागों में हम क्या करेंगे, जो राजस्थान का ये पूर्वी भाग है इसमें हम बोलेंगे कि जो बारिश हुई वो हुई 3 मिलीमीटर, उसके बाद ये जो था इसमें हुई 2 मिलीमीटर, फिर ये जो था इसमें भी हुई 2 मिलीमीटर, और उसके बाद इसमें हुई 1 मिलीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान जो है, इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है और बाकियों में कम होती है। तो ये एक और हमने कंक्लूजन निकाल दिया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला, भारत जो एक देश है उसमें राजस्थान नामक जगह में काफी कम बारिश होती है, और राजस्थान में अगर ज्यादा से ज्यादा माने तो पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी ठीक बारिश होती है, बाकी क्षेत्रों में उससे भी ज्यादा कम होती है, और अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसमें सबसे कम होती है। आप ये मान सकते हैं दक्षिण पश्चिमी जो एरिया है उसमें काफी ज्यादा कम बारिश होती है राजस्थान में। तो ये क्या निकाला हमने, ये हमने जो आंकड़े थे, जो उदाहरण थे, उनको देखकर एक सामान्य सा रिजल्ट निकाला, ठीक है, कि एक राज्य है उसमें कम बारिश होती है और उसका भी एक एरिया है जिसमें सबसे कम बारिश होती है। तो ये एक साधारण सा हमने रिजल्ट निकाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमने ये आंकड़े आपसे डिस्कस किए, मतलब आपके साथ शेयर किए, इन्हें विशिष्ट तरीका मानेंगे। और जो हमने एक सिंपल सी बात निकाली कि राजस्थान में कम बारिश होती है, ये क्या आया, ये एक सामान्य सी बात आई। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, मतलब उदाहरण से एक नॉर्मल कोई कंक्लूजन निकालना, एक निष्कर्ष निकालना, उसे हम आगमन विधि बोलते हैं। ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये काफी ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उदाहरणों के ऊपर आधारित होती है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, जो फिगर्स आपकी होंगी उन्हीं के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो आएगा।
उसके अलावा ये मूर्त से अमूर्त की तरफ जाती है, मतलब ये कि ये जो आंकड़े देखे ये क्या है, ये मूर्त चीज है, ठीक है, इसे आप देख सकते हो, इसे आप मतलब जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो हमने उसके बाद जो रिजल्ट निकाला वो क्या है, वो एक अमूर्त बात है, ठीक है, वो एक जनरल सा कंक्लूजन है उसके, इसी को आप क्या कह सकते हैं कि ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। इसके अलावा जो उदाहरण इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, आगमन विधि में जो उदाहरण इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं, ताकि उदाहरणों से जो आपका कक्षा का वातावरण है उसे सजीव और रुचिकर बनाया जा सके। सजीव मतलब अगर आपको नॉर्मल सी बात पता चले कि भारत एक पूरा देश है, उसमें राजस्थान में कम बारिश होती है, तो इसमें कुछ खास रुचि नहीं आएगी, लेकिन जब आपको ये बताया जाए कि इस एरिया में पूरे वर्ष में इतनी ही बारिश हुई, इस एरिया में इतनी ही बारिश हुई, उसके बारे में आपको एक आधी बात और बता दी जाए कि यहाँ जो है इस महीने में सबसे कम बारिश होती है, यहाँ के घर भी थोड़े से अलग होते हैं, घर ठंडे रहें इस वजह से ये मिट्टी गारे के बनाए जाते हैं, तो जब ये सब चीज़ें आपको बताई जाएँ तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है। जैसे आप मान लीजिए आपको गोवा के बारे में बताया जाए कि गोवा की बीच कैसी होती है, वहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहां कितना अच्छा लगता है, तो ये जो आपकी एक इमेजिनेशन बनेगी, ये क्या है, उदाहरण को इस्तेमाल करके आपको एक निष्कर्ष पर पहुंचाना है कि गोवा जो है एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, ये एक निष्कर्ष निकला। आपको अलग अलग चीजें बताई गई कि गोवा में आप जो है क्रूज पर जा सकते हो, क्रूज मतलब कि आप शिप पर जा सकते हो, वहां आराम से आप बीच पे आराम कर सकते हो, वहां आपको अलग अलग लोग अलग अलग चीजें खेलते हुए मिलेंगे, तो ये सब जो चीजें हैं, या आपको एक आधा फोटो दिखा दिया, तो इन चीजों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि गोवा पर्यटन स्थल है और आपको जाना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रुचिकर बात हो गई। उसके बाद क्या है कि बच्चे जो है इसे ध्यानपूर्ण सुनते हैं और सक्रिय रहते हैं। जब भी आप उदाहरणों का इस्तेमाल करोगे तब तब बच्चे जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे, काफी ज्यादा सक्रिय रहेंगे। कुछ लोग जो होंगे वो अपनी तरफ से बोलेंगे, जैसे अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो गोवा का नाम सुनकर काफी लोग बड़ी एक्साइटेड होकर यस यस टाइप कर रहे होंगे, या कुछ लोग बताएंगे कि मैं भी गया था या मैं भी गई थी, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये क्या चीज है, ये आपकी कक्षा को सक्रिय बनाती है, ये रुचिकर बनाती है और लोग जो इसे ध्यानपूर्ण सुनते हैं, ठीक है, तो ये हुई बात। उसके बाद है कि आगमन विधि जो है विचार शक्ति को प्रोत्साहन देती है, मतलब कि जो छात्र होंगे उनकी विचार शक्ति को और ज्यादा मोटिवेट करेगी कि ठीक है, वो जितना भी मतलब उनके जो इनोवेटिव थॉट्स होते हैं या फिर उनके जो रिलेटेड थॉट्स होते हैं वो उनके और ज्यादा मतलब उनको प्रोत्साहन देगी कि हाँ ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, आप औरों को बता सकते हो, आप व्यक्त कर सकते हो, अभिव्यक्ति ज्यादा होगी इसमें। उसके बाद है तर्क आधारित निष्कर्ष। तर्क आधारित निष्कर्ष कैसे, जैसे अगर आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए, जैसे कोई मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है, ठीक है, वो भारत आया, तो उसको अगर हम ये बताएं कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो वो क्या बोलेगा, कितनी होती है, तो वो जो कितनी होती है का आंसर जब उसे पहले ही दे दिया जाए कि देखो ऐसा है, घूमने लायक चार पांच जगह है, एक तो दिल्ली है जिसमें प्रदूषण होता है और इतना प्रदूषण होता है, दूसरी बात राजस्थान है लेकिन वहां बारिश कम होती है, 3 से लेकर 1 मिलीमीटर तक बारिश होती है, उसके अलावा एक मुंबई है जिसमें होती ही रहती है, जो डूब जाता है, तो ये सब जो चीजें हैं ये जब आप उसको बताओगे तो वो आपसे और क्वेश्चन नहीं पूछेगा बदले में, ठीक है। तो क्या किया आपने, उदाहरण देकर उसको एक नॉर्मल से निष्कर्ष तक पहुंचाया कि जो राजस्थान है उसमें आप सर्दियों में घूमने जाओ, जो आपकी मुंबई है उसमें भी आप ऐसी उसमें मंथ में ना जाओ, ऐसे महीने में ना जाओ जिसमें बारिश होनी हो, और जो दिल्ली है उसमें तो चाहे जब मर्जी चले जाओ, प्रदूषण तो आपको मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से आप उसे समझा सकते हो, तो वो भी एक नॉर्मल सा कंक्लूजन निकालेगा कि मुझे भारत का कौन सा हिस्सा कौन से टाइम पर घूमना है, ठीक है। तो वैसे केरल एवरग्रीन है भाई, अगर किसी को जाना हो तो जब मर्जी जा सकते हो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपके लिए कहां था, तर्क तक। तो तर्क आधारित निष्कर्ष जो है वो निकाले जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन निकाले जाते हैं, जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें लॉजिक होगा, इलॉजिकल नहीं होगा, कि मतलब ठीक है D++B जो आपका बोर्ड होता है उसमें जो आपकी ये बनी थी लिस्ट बनी थी, जो रिजल्ट आया था उसमें किसी की भी भर्ती कर दी, ठीक है भाई, जिनको मिली उनको काफ़ी ज़्यादा बधाई, लेकिन ठीक है खबरें काफ़ी ज़्यादा आई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ठीक थी गलत थी, खबरें काफ़ी ज़्यादा आई कि मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं या कुछ भी है,
तो उस टाइप से जो है आप समझ सकते हो कि तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बाकी तर्क के बिना कोई बात नहीं की जाती। नेक्स्ट है, ज्ञान जो है वो स्थाई और हृदयंगम होता है। अब ये हृदयंगम काफी ज्यादा भारी वर्ड है, मैंने भी सर्च किया तब समझ में आया। हृदयंगम का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी ज्ञान को अपनी हृदय में बसाओ, मतलब आप उसे ये कह सकते हैं आत्मसात कर लेना, कि उसे ग्रहण कर लेना अच्छे तरीके से। ज्ञान को पता करना एक अलग बात है, उसे ग्रहण करना एक अलग बात है। जैसे आपकी जनरल नॉलेज होती है, एक समय पर किसी को याद होगा कि ठीक है भाई स्पेशल चीजें क्या क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, ये एक समय पर किसी ने पढ़ लिया होगा, लेकिन उसके बाद उसे ग्रहण करना, उसे हमेशा के लिए याद रखना, ये बिल्कुल टोटली अलग बात है। जैसे आप में से कुछ लोगों से अगर मैं पूछूंगा कि इस समय के रक्षा मंत्री कौन है, तो आप में से कुछ लोग आंसर दोगे, कुछ लोग आंसर नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि जिनको जिन्होंने आंसर नहीं दिया, हो सकता है उन्होंने कभी सुना हो, लेकिन बात क्या आती है कि उन्होंने अपने उस ज्ञान को पूरा ग्रहण नहीं किया, उन्होंने पता किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी एग्जाम में बैठना था, किसी क्वेश्चन का आंसर देना था, तो ठीक है एक बार के लिए सुन लिया कि जाके आंसर लिख आएंगे। लेकिन जो राजनीति में घुसे ही रहते हैं, उनसे आप किसी भी टाइम कुछ भी पूछो कि जो हमारे ये कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री, हाँ उसी की बात हो रही थी, रक्षा मंत्री कौन है, या हमारे मान लीजिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो इन सब के बारे में अगर कोई उनसे पूछे तो वो इंस्टेंट आंसर दे सकते हैं। और बाकी जिनको सिर्फ एग्जाम देने के लिए याद रखना है, वो कुछ समय तक आंसर दे पाएंगे, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता कि अब कौन है, पहले कौन था, कुछ याद नहीं रहता। तो इस तरीके से भाई क्या है, ज्ञान स्थायी होना और हृदयंगम होना जो है इस विधि के द्वारा संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों के दोनों इसमें क्रियाशील होते हैं, काफी ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कैसे? जो शिक्षक होगा वो उदाहरण देता देता नहीं थकेगा। जैसे मान लीजिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स दूँ, कभी रक्षा मंत्री के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी जो राजस्थान है उसके थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये उदाहरण है। तो एक जो शिक्षक है वो उदाहरण देता रहेगा, इसलिए वो क्रियाशील है, और छात्र जो है उन उदाहरणों को कहाँ कहाँ फिट करना है, कैसे उनको समझना है, कैसे उनको मतलब आप किस तरीके से रिलेट करके कि कौन सी बात से उनको संबंधित आप याद रखोगे, तो वो जो है छात्र उस वजह से क्रियाशील हो जाता है, मतलब दोनों ही एक्टिव रहेंगे। जैसे लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षक होता है वो सक्रिय होता है, बाकी जो छात्र होते हैं वो मूक बैठे रहते हैं। मूक मतलब कि वो चुप होकर बैठे रहते हैं, किसी को समझ में आए ना आए उससे टीचर को कोई मतलब नहीं होता, हालांकि बाद में वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें शिक्षक होता है क्रियाशील, लेकिन ये जो आगमन विधि है इसमें शिक्षक उदाहरण देगा और छात्र उन उदाहरणों को कनेक्ट करके देखेंगे अपनी लाइफ से या किसी न किसी मेमोरी से, तो जो छात्र है वो उस वजह से क्रियाशील हो जाएंगे। उसके बाद है भाई कि इस जो विधि है जिसमें कुछ दोष भी होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं वो आपको बता देता हूं। शिक्षक जो है उसे उदाहरण देने की कला आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, ठीक है, तो वो आपकी क्लास में आया, उसे आगमन विधि का इस्तेमाल करना है, तो उसके बात करने का तरीका ही क्या होना चाहिए, उसके बात करने का आधार ही उदाहरण होना चाहिए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उसे उदाहरण देने ही नहीं आएंगे, उसे याद ही नहीं आएगा, अगर टीचर ही आकर ये कह दे आपकी क्लास में, जैसे मैं आपको ये कहूँ आगमन विधि देखो ऐसा होता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ, तो आप समझ जाओ कि विशिष्ट से सामान्य होता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो कौन सा उदाहरण दूँ, अब मैं याद करने बैठ जाऊं, मुझे याद ही ना आए, मैं किसी से कनेक्ट ही ना कर पाऊं, तो फिर उसके फायदा मतलब कोई हुआ नहीं। वो शिक्षक किसी काम का नहीं जो आगमन विधि का इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन उदाहरण नहीं दे पाता। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है कि शिक्षक आपको कहेगा अब मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात, किस चीज से रिलेट करवाऊं आपको, किस चीज का संबंध दिखाऊं आपको कि आप समझ जाओ। तो ऐसी लाइनें अगर टीचर इस्तेमाल करता है, अगर उसने एक बार भी ये बोल दिया कि अब मैं कैसे समझाऊं आपको, बस आप समझ जाओ, तो वो आगमन विधि का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। ठीक है,
तो शिक्षक के लिए भाई जरूरी है कि वो उदाहरण की कला में पारंगत होना चाहिए, मतलब उसे अच्छा होना चाहिए, तभी वो आगमन विधि का इस्तेमाल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है, अगर टीचर में ये लैक करता है, अगर इसका इसकी कमी है, तो ये कि उसकी जो कक्षा होगी वो आगमन विधि से वंचित रह जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका एक दोष है। उसके बाद भाई समय की मांग करता है ये जो मेथड, जो ये विधि है, ये समय की मांग करती है। कैसे? अब मान लीजिए मुझे आपको कोई कंसेप्ट समझाना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे संबंधित आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उन्हें एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा, उसके बाद कक्षा में आके एक एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब देना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन मुझे आपको बताना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आप उससे एग्री होते हो या नहीं, या फिर आपके तर्क आएंगे मेरी तरफ और मैं अपने तर्क दूंगा आपको, और तब म्यूचुअली एक कंक्लूजन निकलेगा, एक निष्कर्ष निकलेगा, तब जाके जो आगमन विधि है उसके द्वारा एक ज्ञान की बात ग्रहण की जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इतना सब करने में क्या लगता है, इतना सब करने में समय लगता है। तो यह विधि क्या करती है, यह विधि समय की मांग करती है। दूसरी बात कि यह जो विधि है यह उच्च स्तर के लिए नहीं है, मतलब ये कि अगर बच्चे हैं तो आप ये विधि का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उदाहरण सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, उन्हें अपने विषय से संबंधित बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जो उच्च स्तर के बच्चे होते हैं, उच्च मतलब स्तर का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब अपर लेवल जो एजुकेशन का होता है, जब उसमें आप एंटर करोगे तो आप क्या सोचोगे कि हमसे उदाहरण ना बतियाओ, हमसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें बतियाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च स्तर के जो बच्चे आ जाएंगे पढ़ाई में, वो ये चाहेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान डायरेक्टली मिल जाए। हम मंद बुद्धि नहीं है कि एक ही बात को आप 20 बार अलग अलग तरीके से समझाए जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध होगी। अगर उच्च स्तर में आपने इसको इस्तेमाल किया तो जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा, रुचिकर नहीं रहेगी, ये ध्यान नहीं देंगे बच्चे और सक्रिय भी नहीं रहेंगे, सोना शुरू कर देंगे, उबासियां लेना शुरू कर देंगे और उल्टा मतलब टीचर को कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। उसके बाद आंकड़े एकत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए क्या चाहिए, जिसके लिए आपको सोर्सेज चाहिए। मतलब ये कि जो ये आंकड़े जो मैंने आपको रफली बता दिए, लेकिन अगर आपको किसी कक्षा में जाकर बताना कुछ पड़ा तो आपको रियल आंकड़े, रियल फिगर्स लेकर जानी पड़ेंगी, सचमुच के आंकड़े लेकर जाने पड़ेंगे, तब जाकर आप उनको बता सकते हो, ताकि बच्चों को फिर ये भी याद रहे कि जनरली राजस्थान में कितनी बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद पक्षपात का भय होता है, ये बिल्कुल सही बात है, पार्शियलिटी पॉसिबल है इस विधि में। कैसे? एक टीचर पर डिपेंड करता है कि वो अपनी कक्षा में जाकर क्या आंकड़े बताएगा। अगर उसने आंकड़े किसी दूसरे वर्ष के या किसी दूसरे ऋतु के वहां प्रेजेंट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पक्षपात होने का पूरा पूरा भय है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एक महीना तो ऐसा होता होगा जिसमें कंपैरेटिवली कम प्रदूषण होता हो। जैसे मान लीजिए कि किसी ने जो O1 वाला जो सिस्टम चलाया था उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, उसके बाद मान लीजिए कि कुछ समय के लिए फैक्ट्रियां भी बंद कर दी जाएं, या किसी दिन मान लीजिए कुछ थोड़ा सा लंबा उन पर बैन कर दिया जाए, तो उस समय अगर आप आंकड़ों को एकत्रित कर लेते हो और 2 साल बाद भी उन्हीं को डिस्कस करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपने पक्षपात किया है। जो आंकड़े हैं वो करंट जो सिचुएशन है, जो करंट टाइम है, जो अभी वर्तमान समय है, उसके आपको एकत्रित करने पड़ेंगे, कभी के पुराने नहीं उठा कर लाने, ठीक है। तो क्या हुआ, पक्षपात का भय होता है। उसके बाद है कि यह विधि सोर्सेज की मांग करती है, स्रोत की मांग करती है। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास अखबार नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और उसके बाद आपको यह पता करना है कि राजस्थान में कितनी बारिश हुई, तो उसके बाद उससे क्या होगा, उससे आपको सोर्सेज का अभाव हो जाएगा, स्रोत का अभाव हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, जो इस विधि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इस वजह से क्या होगा कि
आंकड़ों के अभाव में कोई टीचर कुछ भी बताकर आ जाएगा अपनी मन मर्जी से, तो इस वजह से जो एक रिजल्ट निकलना है, जो कंक्लूजन निकलना है, वो किसके आधार पर निकलना है, वो आंकड़ों के आधार पर निकलना है, और आंकड़े ही सटीक नहीं हुए तो फिर उसके बाद कंक्लूजन भी सही नहीं हो सकता, निष्कर्ष भी सही नहीं हो सकता। तो इसमें अगर कोई चाहे तो फेरबदल कर सकता है, पार्शियलिटी कर सकता है। तो ये कुछ भाई इसके दोष थे, ये इसके फायदे थे, और यहां मैंने कुल मिलाकर समझाया कि आगमन विधि होती क्या है। वापिस से एक बार बता देता हूं एक लाइन में। आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की तरफ, मतलब आप अलग अलग उदाहरण इस्तेमाल करोगे, कभी दिल्ली में बारिश बताओगे कितनी होती है, कभी यूपी में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, उसके बाद कुल मिलाकर इन सभी को कंपेयर करके एक रिजल्ट निकाला जाएगा कि राजस्थान में सबसे कम होती है। फिर उसके बाद अगर राजस्थान को चार टुकड़ों में ये विभाजित कर दोगे तो उसके बाद पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से हिस्से में कम होती है। तो ये जो मतलब आंकड़ों की मदद से जो एक सामान्य सा रिजल्ट निकाला जाता है, जैसे अगर मैं चाहता तो यहां सिर्फ एक चीज लिख देता कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, सबसे कम वर्षा, तो सिर्फ ये लिखने से भी काम चल सकता था, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों बताया कि आंकड़े आपसे डिस्कस किए, क्यों, क्योंकि ये जो विधि है ये इसी की मांग करती है। ये तो लेक्चर मेथड हो गया, डायरेक्टली मैं आया और मैंने बोल दिया कि राजस्थान में कम बारिश होती है, भाई याद रखना, ये लेक्चर मेथड हो गया। लेकिन उसी को अगर उदाहरण की मदद से आप बच्चों को खुद एक निष्कर्ष निकालने दोगे तो उसके बाद ये आगमन विधि हो जाएगी। अच्छा, अब आगमन विधि का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप कोई भी प्राइमरी की जो मान लीजिए फोर्थ या फिफ्थ की कोई जो बुक होगी उसको उठा के देखना, उसमें पीछे दिए होते हैं कुछ क्वेश्चंस। उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि मान लीजिए टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस भोजन से मिलता है, तो आपको बताया जाएगा कि चावल से इतने ग्राम मिलता है, आलू से इतने ग्राम मिलता है, उसके बाद कोई और जो खाना होगा जैसे सीताफल से इतना मिलता है, बिस्किट से इतना मिलता है। तो एक कंक्लूजन एंड में निकाला जाएगा जो कभी बताया नहीं जाता, जो बच्चे को खुद निकालना होता है कि सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिला, तो एक सामान्य बात निकल कर आएगी, ठीक है। तो वो होती है आगमन विधि, वो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। तो कुल मिलाकर भाई आज आपकी क्लास में इतना सब था, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो क्या करना है, एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, आपको फीडबैक देना है कि आपको चीज़ें कैसे समझ आ रही हैं। और हाँ, एक चीज़ आप में से काफ़ी लोग भाई ये कहते हो कि ये विधि किसने दी थी वो बता दिया करो साथ साथ, तो ये विधि भाई अरस्तु ने दी थी, आगमन और निगमन दोनों विधियाँ अरस्तु ने ही दी थी, ठीक है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं साइड हो जाता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट भाई आप लोगों ने ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही सब, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप कुछ और टॉपिक समझना चाहते हो तो कमेंट में बता दिया करो, एक एक करके आपके जो कमेंट्स हैं उन पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और आज कौन सा डे है, आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे को आपसे बातचीत का सेशन होगा 8 बजे शाम को, सिर्फ और सिर्फ आपसे बातचीत करूँगा। और आज क्या तारीख होगी, 5 तारीख, तो आपको कल एक स्ट्रेटजी की वीडियो मिलेगी जिसमें बताऊंगा कि जो अभी 1 महीना करीब आपका बचा हुआ है किसके लिए, आपके सीटेट के लिए, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब ये कि कौन उसे पास कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, और उसके लिए आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको पढ़ना कितनी देर है, क्या चीज़ कितनी देर पढ़नी है, किन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, किन चीज़ों पर ज़्यादा पास जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है कल वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब, मैं प्रदीप सहरावत, जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा चैनल है फिटनेस को लेकर साइकोबोन फिटनेस के नाम से है। मैंने बाइसेप्स की वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें आपको हर एक तरीके की हेल्प की जाएगी, फैट लॉस, फैट गेन, हर तरीके की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखना। बाइसेप्स की अपलोड कर दिया मैंने, बाइसेप्स ऐसी ही बनेगी, सेम मस्कुलर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।